कर्नाटका असम्बली इंतखाबात में शिमोगा असम्बली हलका नहायत अहमियत का हामिल है। इस असम्बली हलके के सेक्युलर उम्मीदवारों के सामने मुसलमानों के मुतालिबात को रखा जाएगा। जो उम्मीदवार इन मुतालिबात को पूरा करने के तल्लक से तहरीरी तौर पर वादा करता है और मुस्लिम समाज के मसाइल को हल करने का पाबंद रहता है, उसी उम्मीदवार को मुसलमान वोट देंगे। इस बात का इजहार मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के कन्वीनर मोहम्मद वसीफ ने किया है। उन्होंने आज इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम गैर सियासी दानिशमंद अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप है। इस ग्रुप के जरिए यह फैसला लिया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को बगैर किसी शर्त के वोट नहीं देंगे, बल्कि मुसलमानों का ख्वाहिश जीत कर या हार कर भी रहे ऐसे उम्मीदवार को मुसलमान वोट देने के ताल्लुक से सोच व गौर व फिक्र करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना इरफान रजवी, सैयद नईम इमरान खान, मुनव्वर सैयद वसीम, मोहम्मद लियाकत वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंकलाब न्यूज़, शिमोगा। मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म से जो मकसद है कि हर पाँच साल में एक टाइम इलेक्शन आते हैं जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल और मुसलमानों के जो भी मसले हैं वो हल करने वाला कोई नहीं है। हम यही सोचते हैं कि किसको जिताएं, किसको हराएं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुसलमान कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए उनके जो मसाइल हैं, एजुकेशन से लेकर मोहल्ला डेवलपमेंट से लेकर हर एक गवर्नमेंट लैंड से पकड़कर हर बाद में गली में जो भी दंगे फसाद होते हैं और जो ये शांति और कुंभ गलोबे करने के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, ऐसे मसले में कोई हमारा साथ नहीं देता है। शिमोगा मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम की जानिब से मुनक्किद किया गया है, जिसमें खुसूसी तौर पर 2023 में जो MLA इलेक्शन विधानसभा का होने जा रहा है, मुसलमानों को चाहिए सोच समझ कर अपनी बुनियादी हकूक़ को हासिल करते हुए अपने वोटों का इस्तेमाल करें। अक्सर शिमोगा में देखा गया है सिर्फ फ़िरका वाराना फसाद को लेकर वोट किया जाता है और बाज़ सियासतदान और बाज़ कायदीन कहलाने वाले मुसलमानों के वोटों का सौदा बहुत कम पैसों में कर देते हैं।